फर्ज करूं कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती और ये बात साबित हो जाती है कि मेरी पहली शादी हुई हुई थी वो भी क्रिश्चियन लड़की से जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गई हो, तो सब खत्म हो जाएगा। ये सियासत, डैड का नाम, फैमिली में अलग रसोई, और किसी गैर क्रिश्चियन लड़की की वजह से नहीं, उनकी अपनी भतीजी की वजह से। तेरी चाहत है उनका अपना खून। शेरोज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुझसे ना होंगे हम जुदा। मैं जानता था सारी कि फैमिली की लड़की ही फैमिली की प्रेस्टीज को संभाल सकती। सच्चा है लगता है झूठा ये जहां। मैंने लाखों के बोल गवाए। तुमने इस बात को पकड़ के ही रख लिया है। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। ये मेरे लिए आसान नहीं है, मेरी भी जिंदगी बदली है। तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं है बल्कि कलरफुल हो गई है। बदली तो मेरी है, इनफैक्ट यू हैव डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। वाओ, आज मेरे डैड का सोया मैं और तुम मेरी लाइफ को कलरफुल कह रही हो। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हारी दूसरी शादी भी हुई है, और जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कैम या सनी भी है। ऐसा नहीं है कैम, प्रिटेंड करना इतना आसान तो नहीं होता। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है। She's so young and beautiful. पास तो गए हो गए ना उसके। बिल्कुल गए हो गए।